हेलो फ्रेंड्स, आज दो प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, उंटर और स्विशन। स्विशन का मतलब जनरली दो चीजों के बीच में कुछ है, जैसे मेरे और कैमरे के बीच में चेयर्स हैं, तुम्हारे और गेट के बीच में शायद कोई चीज पड़ी है, देखो ध्यान से। दो चीजों के बीच में कुछ है, बिटवीन का जो सेंस है वो स्विशन से आएगा, और उंटर का जो सेंस है जनरली अंडर होता है, जैसे कोई चीज किसी चीज के नीचे पड़ी है। लेकिन स्विशन और उंटर को आप अगर कंपैरिजन करें तो ये वाला है अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच की बात। तो दोस्तों के बीच की बात और दोस्तों के बीच में कोई चीज पड़ी है, सपोज तो कॉन्क्रीट कोई चीज पड़ी है, उसके लिए हम लोग स्विशन कर लेते हैं और अमंग का सेंस देते हैं। तो अरे लोगों के बीच में तो ऐसे चलता है यार, दोस्तों के बीच में ऐसे चलता है। यहां पे फिल का नाम उंटर फ्रेंडन का मतलब है दोस्तों के बीच, अमंग फ्रेंड्स। तो अब कोई कॉन्क्रीट चीज की बात नहीं है। सो जनरली उंटर का मतलब अंडर होता है, लेकिन इसका मतलब अमंग भी होता है, और स्विशन का मतलब बिटवीन। हालांकि इंग्लिश में भी इस तरह के सेंटेंस आपने बनाए होंगे, देखे होंगे। अभी इसको ज्यादा समझने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए, उससे क्लैरिटी आएगी। डांग शॉन फ्रेंड है फिल लिवन डांग।